Hello students, welcome to my YouTube channel CHSC Plus 2 Physics Brief Study in Quick Time. एटी छोट छोट वीडियो मो अपलोड करी चेष्टा करी डेली अपलोड करने पर जब भल लगे तुम्हें लाइक करदेव चैनल को सब्सक्राइब करदेव तुम सांग को भी शेयर करपर और जो वीडियो मुझे पठेबी भी तार नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल्रे प्रेस करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोर उपर जो देखु थ्री डॉट्स अच्छी वीडियोर क्वालिटी बढ़ेगा 144 रु मैक्सिमम जिते मुझे 480 करदेली तो वीडियोर क्वालिटी बढ़ीज प्रति वीडियोर मुझे पीडीएफ नोट्स भी पठेबी तुम्हें डाउनलोड कर जो डाउन एरो अच्छी या को क्लिक कलापुर तुम लिंक पाइज डाउनलोड कर लास्ट इंपोर्टेंट जिनस मुझु भिडर यूनिट व्वज सजे रखी मो चैनल को क्लिक कलापुर तुम प्ले लिस्ट एटी बाहर करके तुम यूनिट व्वज पाइपर ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो प्रीवियस क्लास आम क्यू वैल्यू देखला गोटे रेडियोएक्टिव रिएक्शन रो न्यूक्लियर रिएक्शन रो आज आम टॉपिक है न्यूक्लियर फिशन। तबे पिलाने तुमर न्यूक्लियर जेते बड़े भांगे मे बी नेचुरली हो किंबा आर्टिफिशियली हो न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन जहाँ को कहा जाए सो एनर्जी बाहर एटा आम जान ला सो यही एनर्जीटा 10-30 MeV पर्यंत वेरी करे। एटा एते बेसी भी एनर्जी नो दिस इज वेरी स्मॉल एनर्जी बट इन 1938 इट वाज डिस्कवर्ड that heavy unstable nuclei such as uranium when bombarded with neutrons tale kon hobo ye bhangi jae into fragments fragments mane ethiru dui ta actually bahare gote hela barium aa gote hela krypton aku seta dekhiba both these have comparable mass along with release of lot of energy 200 MeV energy bahare so this phenomenon is known as your nuclear fission। यदि आम डेफिनेशन को जीवा देन न्यूक्लियर फिशन इज द प्रोसेस बाय विच अ न्यूक्लियस ब्रेक्स अप इन सच ए वे दैट टू प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आर ऑफ कंपेरेबल साइज। अच्छा मनकर आम यूरानियम गोटे आइसोटोप नेला यूरानियम 92-235 दिस इज एन आइसोटोप ऑफ यूरानियम। यूरानियम बहुत गुड़ाए अच्छे एमती आइसोटोप सो एथिरे यूरानियम जदि आम ओर देखिबा यूरानियम रो ओर माने नेचुरली जो यूरानियम ओर टा मिले से ओर रे 0.7% रो अबंडेंस थाए हैला 0.7% यूरानियम 235 यूरानियम ओर रे थाए। अच्छा हो नाउ व्हेन इट इज बम्बार्डेड विथ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन द्वारा एटा जदि बम्बार्डिंग हला देन इट ब्रेक्स अप एज मु कहिली जेमती बेरियम एंड क्रिप्टन अलोंग विथ 3 न्यूट्रॉन्स 3टा न्यूट्रॉन पुणी बाहर हैला विथ अ लॉट ऑफ एनर्जी हैला। एटी देखो रिएक्शन लिखी दी गोटे न्यूट्रॉन यूरानियम 235 को टारगेट न्यूक्लियस को बम्बार्डिंग हैला सो बेरियम गोटे बाहर 56-141 रिएक्शनटा सब बेले मन रखा हूँ न्यूक्लियर फिशन रो रिएक्शन एंड दिस इज ए वेरी डेंजरस इक्वेशन बिकॉज एटम बम रोच रिएक्शन कहबी से आगे सेकेंडटा है तुम क्रिप्टन 3692 along with 3 neutrons and q value mane tumara energy। acha ethi energy ta ko ame kemti calculate kariba already kahi chi seiti pai mu tumko q value padheli purva thara hela ethi ame lhs aw rhs ro mass nei gala aw simple mass summation kariki lhs aw rhs ro mass ta ko taro difference ta bahar kariba which is nothing but your mass defect accordingly ei sab kara hi chi alright। नाउ मास डिफेक्टा ये 0.2153 एटॉमिक मास यूनिट आसला आ तुम जाच वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931 MeV जस्ट मल्टीप्लाई करदे पाखापाखी आम क्यू वैल्यू 200 MeV अराउंड आसीगला। सो एतिकी एनर्जी काहीकि एते डेंजरस पिला माने से जिनसटा एबे देखिबा देखो ए जो 200 MeV एनर्जी बाहरला हैला दिस इज द एनर्जी एमिटेड और लिबरेटेड फ्रम फिशन अफ वन एटम गोटे एटम जो यूरानियम 235-92। अच्छा गोटे जिनस पे कन्फ्यूज हेनी ये जो न्यूक्लियर फिशनटा मे बी नेचुराली भी हो पाए आर्टिफिशियली भी हो पाए एमती नुह जे खाली न्यूक्लियर फिशनटा आर्टिफिशियली हुए नेचुराली भी हो पाए है। सो जदि आम एनर्जी को कैलकुलेट करिबा है इन टर्म्स अफ योर 1 ग्राम एटम यूरानियम माने मोलार कन्सेप्ट को जीवा
आमे जानिचु 235 ग्राम यूरानियम जदि नेबा दैट कंटेन्स एवोगाड्रोज नंबर और 6.023 × 10³³ एटम्स। सो एथिरु आमे एनर्जी केते बाला गोटे एनर्जी गोटे एटम पाई एनर्जी 200 एमई भी। सो 6.023 × 10³³ एटम्स पाई दिस मच इंटू 200। सो एबे टिके कैलकुलेशन कर देले हला एमई भी को पुनी जूल रे कन्वर्ट करिकि आमे देखिला जे 4.6 × 10²² कैलोरी एनर्जी बाहरुची हला। एबे एही एनर्जी को जदि आमे गोटे मैट्रिक टन कैन यू इमेजिन गोटे मैट्रिक टन कोयला सह कंपेयर करिबा हला तो गोटे मैट्रिक टन कोयला जली कि 8 × 10⁻⁹ कैलोरी हीट बाहरुची किंतु एटा तो आउरी ताहाठू भी आउरी बेसी अछि। सो केते कोयला जळिले एही एनर्जी टा बाहरिबो आमे सिंपल डिवाइड कर दबा ता माने केते बाहरला देखो 575 मेट्रिक टन कोयला जळिले जाय कि एतिकी एनर्जी। सो मात्र 235 ग्राम यूरानियम जळी कि जेतिकी एनर्जी बाहरला 575 मेट्रिक टन कोयला जळिले जाय कि सेतिकी एनर्जी बाहरिबो। सो दिस इज वेरी हाईली डेंजरस यही जदि रिएक्शन टा नेचुरली बहुत सहजरे जदि होता पृथ्वी विनाश हो जीव हला। यही जिनसटा को आपको देखा केमती आपको एटम बम रे आमे यूज कराला है नेगेटिवली भी यूज अच्छी यार पॉजिटिवली भी यूज अच्छी। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। दस ऑलरेडी देख ला 535 मेट्रिक टन सांगे सामान है कोयला सांगे। सो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी वेरी लार्ज एंड इट कॉजेस हेबॉक व्वेन एलाउड टू लिबरेट अनकंट्रोल जदि कंट्रोल न करके ये जिनसटा है इट कैन बी वेरी डेंजरस। एबे जदि आम या लिक्विड ड्रॉप सांगे भी कंपेयर कर पारिबा न्यूक्लियर फ्यूजन को मुझे डायरेक्ट चित्र को जाऊँ देख चित्र देखिपुर थो गोटे यूरानियम न्यूक्लियस अच्छी है इनिशियली गोटे न्यूट्रॉन ये अच्छी न्यूट्रॉन यहाँ टारगेट न्यूट्रॉन यूरानियम को भांगी देकी दुईटा पार्टिकल आसला एवं दुईटा न्यूक्लियस बेरियम आउ क्रिप्टन है। सो अकॉर्डिंगली तुम्हारे तीन टा न्यूट्रॉन पुणी आगे बाहर हेलो। सो यू कैन असाइन द न्यूक्लियर फ्यूजन और यू कैन कंपेयर द न्यूक्लियर फ्यूजन विथ दैट ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप है। आसवा चेन रिएक्शन जोटा मुझी एटम बम्रे चेन रिएक्शन एटी एटा अनकंट्रोल्ड पिला माने अच्छा जो जो तीन टा न्यूट्रॉन बाहर ले पिला माने गोटे रिएक्शन रे से तीन टा न्यूट्रॉन कौन करिवे देखो पुणी नेक्स्ट आउ तीन टा यूरानियम एटम को यूरानियम न्यूक्लियस को भांगिबे एई जिनसटा एटम बम रे कार्यकारी हुए हैला। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम बम जोटा कि पृथ्वी एई एटम बम रो भयावहता देखी सारी वर्ल्ड वार टू रे हिरोशिमा नागासाकी रे अगस्ट 6 आउ अगस्ट 9 रे जो बम पकेला है। सो एबे चित्र को पढ़े आस देख चित्र रे देखि परथबो तीनटा न्यूट्रॉन गोटे न्यूट्रॉन आसला गोटे यूरानियम को भांगिला है दुईटा तार फ्रेगमेंट पार्ट बाहर ला अच्छा यही तीनटा न्यूट्रॉन पुणी जो आसला से तीनटा न्यूट्रॉन आउ तीनटा यूरानियम को भांगिले। ओके सो अकॉर्डिंगली एबे एठी तीन एठी तीन एठी तीन नौटा न्यूट्रॉन पुणी कौन करेंगे आउ नौटा यूरानियम। सो एटा पूरा चेन हिसाब रे ओके एटा चेन हिसाब रे एक रु तीन तीन रु नौ नौ रु सतैश एमती हिसाब रे ये जीव है। सो यही जो चेन रिएक्शन टा विदिन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बहुत कम टाइम भितर ये सब जिन पॉसिबल हो जाए तेब यू कैन थैंक द ऑलमाइटी गॉड जे यही जो न्यूक्लियर फिशन टा हेबा पई किछिटा कंडीशन दरकार एमती साधारण भाव में न्यूक्लियर फिशन नेचुरली हेबाटा एते सहज नुहे। प्रथम कंडीशन हेला जो तुम्हारा फिशनेबल मटेरियल इट शुड बी लार्जर देन ए सर्टेन मिनिमम साइज दिस मिनिमम साइज इज नोन एज योर क्रिटिकल साइज है। से ही क्रिटिकल साइज रु बेसी मास हेले जाइकि न्यूक्लियर फिशन हेबो ये गला प्रथम कथा। अच्छा दुई नंबर कथा से ही साइज रु जदि कम होगा तो तुम न्यूक्लियर फ्यूजन करें। दुई नंबर कथा जो मटेरियल टा अच्छी दैट शुड बी हाइली प्योर जमी कहली
ତୁମର ୟୁରାନିୟମ୍ ନେଚୁରାଲ୍ ଓର୍ରେ କେବଳ 0.7% ୟୁରାନିୟମ୍ 235 ୟୁରାନିୟମ୍ 235 ବି ମେନ୍ ତୁମର ମେଟେରିଆଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆଟମ୍ ବମ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ମାତ୍ର 0.7% ବି ନୁହଁ। ସୋ ଏଇ ଓର୍ରୁ ପୁଣି ୟୁରାନିୟମ୍ 235କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଟିଡିୟସ୍। ଓକେ, ଏଠି ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏତିକି ବି ଜିନିଷ କରିଲା ପରେ ଯାଇକି ତୁମେ ଯେଉଁ ପିଓର ୟୁରାନିୟମ୍ 235 ବାହାରିବ, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ତୁମେ ଆଟମ୍ ବମ୍କୁ ଟ୍ରିଗର୍ କରିପାରିବ। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ରିଆକ୍ଟର ପିଲା, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଚେନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ରେ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ହିସାବରେ ତୁମର ଚାଲିଥିଲା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ରିଆକ୍ଟରରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ୱେରେ ତୁମର ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଚାଲିବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ୱେରେ। ଆଚ୍ଛା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ୱେରେ କେମିତି ଚାଲିବ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଯଦି ଅଛି, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଗୋଟେ ୟୁରାନିୟମ୍କୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଉ ତିନିଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ବାହାରୁଛି, ହେଲା। ଏଇ ତିନିଟାରୁ ଗୋଟେକୁ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ତା'ର ରାସ୍ତା ଏବଂ ଗୋଟେକୁ ହିଁ ଏଲାଉ କରିବା, ସୋ ଏଇ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁରାନିୟମ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବ। ସୋ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ତୁମର କରାଯାଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ରିଆକ୍ଟର୍ରେ, ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବା ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମଡରେଟର୍ ବା ମନ୍ଦକ, ହେଲା। ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ମେ ବି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ପଡ଼ିପାରେ ଯେ କ'ଣ ମଣ୍ଡକର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହ, ହେଭି ୱାଟର୍ ଅର୍ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ତୁମର ମନ୍ଦକ ବା ମଡରେଟର୍ ହିସାବରେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ ଫିଗର୍କୁ ଆସିବା, ଦେଖ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଫିଗର୍ରେ, ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ତୁମର ସେଇ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ୟୁରାନିୟମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିକି ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ବାହାରିଲା, ହେଲା। ଆଉ ତିନିଟା ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ରୁ କ'ଣ କଲା ମଡରେଟର୍, ଦୁଇଟାକୁ ରୋକିଦେଲା, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍କୁ ହିଁ ସେ ଛାଡ଼ିଲା, ହେଲା। ଏଠୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁରାନିୟମ୍କୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିବ, ହେଲା। ଏକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ପୁଣି ତିନିଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍, ତିନିଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ରୁ ମନ୍ଦକ ପୁଣି ଦୁଇଟାକୁ ରୋକିଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେକୁ ହିଁ ଛାଡ଼ିଲା। ଏଠି RHS ସାଇଡ଼୍ରେ ତୁମେ ଫିଗର୍ ଦେଖ, ଏଠି ୟୁରାନିୟମ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଇନ୍ ସେପ୍ ଅଫ୍ ରଡ୍ସ ରଖାଯାଇଛି, ହେଲା। ରଡ୍ସ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, ଦୁଇଟା ୟୁରାନିୟମ୍ର ମଝିରେ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ରଖାଯାଇଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଗୋଟେ ୟୁରାନିୟମ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁରାନିୟମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦୁଇଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଲଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଗୋଟେ ଆବଜର୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା, ହେଲା। ମୁଁ ବ୍ରିଫ୍ଲି କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ହେଲା। ସୋ ୟାକୁ ତୁମର କୁହାଯାଏ ଆଟମିକ୍ ପାଇଲ୍, ଆଟମିକ୍ ପାଇଲ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟକୁ କୁହାଯାଏ ଆଟମିକ୍ ପାଇଲ୍, ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଟ୍ ବି ତୁମର ଅନ୍ନେସେସରିଲି ବାହାରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ରିଆକ୍ଟର୍ରେ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବହୁତ କମ୍, ଆରାଉଣ୍ଡ 35%, ହେଲା। ଆରାଉଣ୍ଡ 35% ଏହାର ଏଫିସିଏନ୍ସି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଟ୍, ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ହେଲା, କୁଲେଣ୍ଟ ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଏଇ କୁଲେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ତେଣୁକରି ତୁମର ଏଫିସିଏନ୍ସିଟା ବି କମିଯାଏ, ହେଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ବି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଅପରେସନାଲ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି, ବିକଜ୍ ୟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁରାନିୟମ୍ ଇଜ୍ ହାଇଲି ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍, ହେଲା, କେମିକାଲି ବି, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନେଚୁରାଲି ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ହୋଇଯାଏ, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ପବନ କିମ୍ବା ପାଣିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା। ସୋ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଦିସ୍, ୟୁରାନିୟମ୍ ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଲୁମିନିୟମ୍, ପିଓର ଆଲୁମିନିୟମ୍ କୋଟ୍ରେ ରଖାଯାଏ ବିଲୋ 100°C। ଆଉ କ'ଣ ମେଜର ଅପରେସନାଲ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଅଛି, ଦେଖ କୁଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତୁମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ହିଟ୍ ତୁମର ଅନ୍ନେସେସରିଲି ୱେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସୋ ଦେଟ୍ ତୁମର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଲୋ ହେବ, ଯେମିତି କହିଲି। ମେଟେରିଆଲ୍ଟା ଯେଉଁ ପାଇଲ୍ର ଭିତରେ ଅଛି, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଭେରି ବିଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ବିକଜ୍ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ରେଡିଏସନ୍ ଅଛି, ବିକିରଣର ପ୍ରଭାବ ତୁମର ଦେହରେ ପଡ଼ିପାରେ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ବିଗ୍ ପ୍ରିକସନ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍, କାହିଁକିନା ଲିକେଜ୍ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏତେ ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯେ ତୁମର ଯଦି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଯଦି ଲିକ୍ କରିଗଲା, ସେଇଠି ହିଁ ପୁରା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ରିଆକ୍ଟର। ସୋ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁଜ୍ ପିସ୍ଫୁଲି, ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି, ମାନେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ପ୍ରିକସନ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଦିଜ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ରିଆକ୍ଟର। ୟୁଜ୍ ତୁମର ଅଲରେଡ଼ି ତୁମକୁ କହିଛି, ଯେଉଁ ହିଟ୍ ତୁମର ବାହାରିଲା ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍, ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ୟୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି। ଓକେ, ସୋ ଏଇ ଲାର୍ଜ ହିଟ୍କୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଆଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାଇଲି ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଫର୍ ୟୋର ଅପରେସନ୍ ଅଫ୍ ୟୋର ସିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସବ୍ମେରିନ୍ସ, ହେଲା। ଏଠି ବି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ହେଲା। ଆଉ ରିଆକ୍ସନ୍ କିଛିଟା ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ, ଏତେ ଏଇଟା ଖାସ୍ ନାହିଁ, ହେଲା।
ଏଇଟା ତୁମର ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ୟୁରାନିୟମ୍ 92-238 ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ତାପରେ ବିଟା ଏମିସନ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟାକୁ ବ୍ରିଡର୍ ରିଆକ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ସୋ ୟାକୁ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଫିଜିକ୍ସରେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ୱାଇଡ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅନ୍ ୟୋର୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଫିଜିକ୍ସ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଇସୋଟୋପ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ବାହାରିବ ଏଥିରୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଫିଜିକ୍ସର, ତାକୁ ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।